हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन स्टाइल फिश करी की रेसिपी। इसे मैंने सरसों की ग्रेवी में बनाया है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही यमी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला रेसिपी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप एक फ़िश लवर है तो इस रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप ज़रूर फॉलो करें, डेफिनेटली आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। और इसे मैंने नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, जैसे मैंने बताया, सरसों की ग्रेवी में बनाया है, तो ये बेसिकली बिहारी स्टाइल रेसिपी है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत ही यमी तरीके से बनेगा। इसे बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, तो आप उसे ही ज़रूर फॉलो करें। यहाँ मैंने 1.5 kg कतला फिश लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद यहाँ मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी आप इस अपने अमाउंट के हिसाब से डालें, जितना फिश है उस हिसाब से डालें। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं यहाँ पर एक जार में मैंने 4 प्याज लिए हैं, ये आपको जितनी ग्रेवी गाढ़ी चाहिए आप उस हिसाब से लें। और इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिया है, उसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए हैं, यहाँ मैंने पीला सरसों का दाना लिया है, आप भी वही लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन सबको हमें अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। अब मैं सबसे पहले फिश को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है और एक बार में आप कोशिश करें 3 से 4 ही पीस डालें। बहुत ज़्यादा पीस अगर आप डालेंगे तो आपको पलटने में प्रॉब्लम होगी। और इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह, जब तक ये रेड कलर का नहीं होता तब तक हमें फ्राई करना है। फ्राई करते समय आप ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है, वरना ये टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं फिश दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे और बाकी सारे फिश को भी हमें इसी तरह फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें कि इसे तेज आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ ये ऊपर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से इतनी अच्छी तरह नहीं फ्राई हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने सारे फिश को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। यहाँ मैंने 5 फोरन, हींग, सूखी लाल मिर्च और कुछ तेज़पत्ता लिया है। अब जिस तेल में हमने फिश फ्राई किया था उसी तेल में मैं यहाँ पर ये सारे फ़ौरन डाल दूँगी और इसे खूब अच्छी तरह लाल होने तक हमें पकने देना है। जब ये एक बार अच्छी तरह फ़ौरन पक जाए फिर इसमें मैं प्याज का पेस्ट डालूँगी। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से डालें वरना ये बहुत ऊपर आएगा। और इसे हमें तेज आँच पर ही कम से कम 3 से 4 मिनट तक भूनना है। जब प्याज में से कुछ इस तरह पानी छूटने लगे फिर इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 2 चम्मच और इसे भी खूब अच्छी तरह तब तक भूनना है जब तक ये सूख ना जाए। इसे भूनते भूनते आप देखेंगे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन हो जाएगा। तो जब इसका कलर बिल्कुल भूनते भूनते गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए, गैस का फ्लेम लो कर दें और इसमें अब सारे मसाले डालेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आप जितना तीखा खाना चाहे उस हिसाब से लें मिर्च। और साथ ही में 2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। और इसे अभी आप कम आंच पर ही थोड़ी देर के लिए भूनें। थोड़ी देर भुनने के बाद यहाँ जो मैंने टमाटर और सरसों का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डालूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें इसे कम आंच पर ही भुनना है। साथ ही में मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें।
सरसों डालने के बाद भी इसे हमें अच्छी तरह तब तक भूनना है जब तक ये सूख ना जाए और इसमें से तेल ना छोड़ दे। इसे भूनने में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा। इसे कम आंच पर ही हमें भूनते रहना है। अब मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया है, साइड से तेल भी छोड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी। पानी यहाँ मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। आपको अपनी जितनी भी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए आप उस अनुसार पानी डालें। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दें और इसे हाई फ्लेम पर ही हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक बॉईल होने देना है। ये जितना ज़्यादा खोलेगा इसकी ग्रेवी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं आमिल डाल रही हूँ। ये कच्चे आम को सुखा के बनाया जाता है। इसे डालने से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा और इसे साथ में डाल देना है जब ये खोल रहा है, और इसे भी कम से कम 2 मिनट तक के लिए खोलने देना है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको खट्टा खाना पसंद हो तो आप लास्ट में, अगर आपके पास नहीं हो तो आप नींबू डाल सकते हैं निचोड़ के। ये बहुत अच्छी तरह बॉईल हो गया है। इसमें अब जितने भी फ्राइड फिश हैं वो सारे इसमें डाल देंगे। सारी फ्राइड फिश डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें ग्रेवी में और कम से कम 2 मिनट के लिए और बॉईल होने दें। अब लास्ट में कटा हुआ धनिया डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद गैस बंद कर दें। हमारी फिश करी रेडी हो गई है। आप इसे ट्राई करें राइस के साथ या रोटी के साथ। इसे ठंडा होने पे सर्व करें। तो ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को और इन्जॉय करें फिश करी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।